नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। गुजरात में 89 सीट के लिए प्रथम चरण में 68% मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव से 2% कम है। बाकी बची 93 सीट के लिए 14 तारीख को मतदान होगा और फिर कुल 182 सीट के नतीजे 18 को आएंगे। एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे सबसे तेज नतीजे। आज मतदान के दौरान कांग्रेस ने एक बड़ा और संगीन आरोप लगा दिया। आरोप लगाने वाले थे कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया। दावा यह किया गया कि मोबाइल फोन के ब्लूटूथ के जरिए वोटिंग मशीन के हैक होने की आशंका है। क्या है सच, देखिए यह बड़ा खुलासा, बड़ी तहकीकात। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर दिख रही है वो कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि गुजरात में पहले चरण के मतदान पर एक संगीन आरोप के सबूत के तौर पर पेश की जा रही है। इस तस्वीर में है मोबाइल फोन की स्क्रीन, जिसमें ब्लूटूथ का चिन्ह और इसमें लिखी एक इबारत ECO 105। दावा है कि ECO 105 उस वोटिंग मशीन का नाम है जिसमें वोट डाले जा रहे हैं, और वो मशीन इस फोन से जुड़ सकती है और उसमें फोन के जरिए गड़बड़ी की आशंका है। आरोप लगाने वाले हैं गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया। इनका दावा संगीन है। एक बार आपको फिर बताते हैं, मोढवाडिया का दावा है कि ईवीएम में मोबाइल फोन के ब्लूटूथ के जरिए घुसकर गड़बड़ी की आशंका है। अर्जुन मोढवाडिया के आरोप का सच जानने के लिए जब एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित उनके पास पहुंचे तो वो पोरबंदर में एक मतदाता केंद्र में थे, वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे। कुछ आपके पास एविडेंस आया है? उसका स्क्रीनशॉट लिया है हमने, स्क्रीनशॉट लेकर हमने उसको भेजा भी है और उसके लिए हमने कंप्लेंट भी दायर की है। मोढवाडिया पोरबंदर से कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी हैं। इनके भतीजे ने ईवीएम के ब्लूटूथ से जुड़ने की बात मोढवाडिया को बताई, तब मोढवाडिया ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की। दावा जंगल में आग की तरह फैला, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मोढवाडिया के आरोप और उसकी सच्चाई जानने से पहले ये तस्वीर ध्यान से देखिए जो आज सुर्खियों में है। विवादित तस्वीर मोढवाडिया के भतीजे के मोबाइल फोन का स्क्रीन शॉट है, जिसमें ब्लूटूथ के ऑन होने का चिन्ह है। लिखा है कि आपका फोन पास के उपकरणों को दिखाई दे रहा है, यानी आप अपने फोन को दिख रही मशीनों से जोड़ सकते हैं। और नीचे उपलब्ध उपकरण में साफ साफ लिखा है ECO 105। सीरियस कंप्लेन ये है कि ये मशीन ब्लूटूथ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और जब ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो उसका सिग्नल आता है CEO गुजरात। ये बड़ी गंभीर और सीरियस कंप्लेन है, और उसका मतलब ये है कि ये ब्लूटूथ से उसको टैम्पर किया जा सकता है। वाईफाई से ये मशीन क्यों जुड़ा गया है, तो ये उसका जवाब CEO के पास भी नहीं है। तो हमने कंप्लेन दायर की है, और ये ऐसा अगर ये है तो बड़ा ही ये मुद्दा चुनाव में गड़बड़ी का हो सकता है। मोढवाडिया ने ब्लूटूथ से ईवीएम के जुड़ने की जो शिकायत चुनाव आयोग में की, उसमें पोरबंदर शहर के 3 पोलिंग बूथ 145, 146 और 147 का नाम भी दिया गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ब्लूटूथ पर ECO 105 देखकर अर्जुन मोढवाडिया को ईवीएम हैक होने का शक कैसे हुआ। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको ब्लूटूथ तकनीक के बारे में बता देते हैं। दरअसल ब्लूटूथ तकनीक वो तकनीक है जिसके जरिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल बिना किसी तार या फिर इंटरनेट के जरिए फोटो फाइल का ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके उपकरण का दूसरे उपकरण के साथ जुड़ा होना जरूरी है। इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। ईवीएम के पास मोढवाडिया के भतीजे वोट डालने पहुंचे, और वहां ब्लूटूथ सर्च के दौरान मोबाइल फोन पर ECO 105 दिखा, और इसी ECO 105 के ईसी शब्द को उन्होंने इलेक्शन समझ लिया होगा, और 105 को संबंधित बूथ की वोटिंग मशीन या वोटिंग बूथ का नंबर, और ये मान लिया कि वोटिंग मशीन को ब्लूटूथ से जोड़कर गड़बड़ी की आशंका है। शिकायत चुनाव आयोग के पास गई तो देखते ही देखते चुनाव आयोग की टीम भी संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंच गई।
चुनाव आयोग से ईवीएम के इंजीनियर भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने ब्लूटूथ से वोटिंग मशीन के जुड़ने की दावे की जांच की तो सामने आया एक फोन। जी हां, ईवीएम इंजीनियर के हाथ में जो आप साधारण फोन देख रहे हैं वही है सारे विवाद की जड़। पहले सुनिए इंजीनियर का बयान और फिर आपको बताते हैं पूरी कहानी। मोबाइल है, मोबाइल ईको 105 ये आपके सामने एक मोबाइल फोन का नाम है, इंटेक्स कंपनी का, और इसमें ब्लूटूथ है। और किस आप सब लोगों के पास भी ब्लूटूथ होंगे, तो जो ब्लूटूथ अगर ऑन है तो डिवाइस आप उस डिवाइस में उसका नाम आ जाएगा। अब इसे समझिए, ECO 105 इंटेक्स कंपनी के मोबाइल फोन का ब्लूटूथ नाम है। अब जब मोडवाडिया के भतीजे ईवीएम के पास वोट डालने गए होंगे तो वहाँ ब्लूटूथ सर्च के दौरान ECO 105 दिखा होगा और आरोप लगाने वाले ने ECO को इलेक्शन कमीशन समझकर फोन को वोटिंग मशीन मान लिया और फिर यहीं से विवाद शुरू हो गया। इसे और आसान भाषा में संवाददाता अखिलेश आनंद आपको समझा रहे हैं, समझिए जिससे पता लगेगा ईवीएम हैक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम आपको बताते हैं ब्लूटूथ आखिर कैसे कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस के जरिए। मैं अपने इस मोबाइल में जाऊंगा, देखिए मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं। यहां पर ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है, इसमें मोर सेटिंग्स में मैं जाऊंगा, उसके बाद अवेलेबल डिवाइसेस आप देखेंगे इसमें। ये देखिए धीरे धीरे ये जो आसपास के जितने डिवाइस होंगे उन्हें ये धीरे धीरे ढूंढ लेगा, सर्च करेगा। एडिट 8 है, अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर एडिट 8 है कहां पे, जिस डिवाइस से कनेक्ट होने की बात सामने आ रही है। क्या आप मुझे दिखा पाएंगे एडिट 8 लिखा हुआ? ये देखिए ये है एडिट 8, यानी ये एडिट 8 डिवाइस है, ये वीडियो एडिटिंग की जो मशीन है जिस पे ये काम हो रहा है, इस वक्त रिपोर्ट्स एडिट की जा रही है, उससे अगर अपने मोबाइल को मैं जोड़ना चाहूं, पेयर करना चाहूं, तो मैं कर सकता हूं। चुनाव आयोग ने भी पड़ताल के बाद यही बताया, ईवीएम में कोई भी रिमोट कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी उसमें होती ही नहीं है, उसमें कोई भी रिसेप्टर ही नहीं होता है जिससे कि आप रिमोटली किसी भी तरह का कोई कनेक्शन कर सकें। इनफैक्ट इवन वायर्ड कनेक्शन हमारे ईवीएम्स में किसी तरीके का नहीं हो सकता, सिवाय कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट कनेक्ट होते हैं। जो कनेक्शन उन्होंने बताया, एलिट किया था कि ECO 105 करके जो कनेक्शन आ रहा था वो एक पोलिंग एजेंट का मोबाइल फोन का ब्लूटूथ ऑन था एंड उससे वो कनेक्शन शो कर रहा था। ब्लूटूथ ऑन करने पर सिर्फ मोबाइल फोन का नाम ही दूसरे मोबाइल फोन पर नहीं दिखता, बल्कि आप जो नाम रखेंगे अपने फोन का वो दूसरे के फोन पर दिखता है। इसे भी अखिलेश आनंद आपको समझा रहे हैं ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे और ब्लूटूथ से ईवीएम मशीन के हैक हो जाने का सच और साफ हो जाए। दो डिवाइस को जब हम ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हैं तो आपको बता दें दरअसल इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि दोनों के नाम होते हैं, उन नाम के जरिए ही पेयर किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे लोगों के नाम होते हैं, हम एक दूसरे को नाम के जरिए पुकारते हैं, राम, मोहन, श्याम या कुछ नाम कहते हैं, दो मोबाइल के नाम होने चाहिए। अगर वो नाम आप नहीं डालेंगे उसमें तो फिर वो जो मॉडल नंबर है वो शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, समझिए ज़रा इसे। मैं अपने मोबाइल में गया और मैं ब्लूटूथ में आता हूँ, ये ब्लूटूथ सेटिंग है, मोर सेटिंग्स में मैं गया, आसपास के डिवाइस को मैं सर्च करता हूँ। आप देखेंगे इसमें कि एक वीवो नाम से एक यहाँ पर डिवाइस दिखा रहा है और ये डिवाइस है, ये इनके हाथ में है जो ये मोबाइल है, ये वीवो नाम है इसमें। लेकिन वीवो नाम इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि हमने इसका कोई नाम नहीं दिया। अगर इसका हम नाम चेंज कर दें, जैसे मैं अपनी सहयोगी को कहूँगा कि वीवो की जगह अब आप ईवीएम लिख दीजिए इसमें, ये देखिए अब इसे ये चेंज कर रही हैं, इन्होंने इसका नाम रख दिया ईवीएम। अब ओके करेंगी ये नाम सेव हो गया, यानी अब ये डिवाइस जो है ये वीवो की जगह ईवीएम के नाम से शो करेगा। और मैं अपने डिवाइस में आता हूँ, इसको ब्लूटूथ को मैंने ऑफ किया, दोबारा मैं ऑन कर रहा हूं और उसके बाद देखिए ये देखिए ईवीएम लिखा हुआ देख लिया आपने, यानी ईवीएम अगर उसका नाम दे दिया गया तो ईवीएम दिख जाएगा। एबीपी न्यूज आपको पूरा सच दिखाता है, इसलिए संवाददाता कुशांग सोनी पोरबंदर के उस पोलिंग बूथ पर पहुंचे जहां ECO 105 दिखाई देने का दावा किया गया था, ताकि हम अपने फोन के जरिए ये जान सके कि क्या सचमुच वहां पर ऐसी कोई बात है। हम खुद अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे और साथ में देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो इसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ये देखिए हमने अपना ब्लूटूथ जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है और रिफ्रेश भी ये हो रहा है। लेकिन रिफ्रेश होना बंद हो चुका है, फिर से हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। फिर एक बार ट्राई करने पर भी क्या उस नाम का कोई ब्लूटूथ डिवाइस आसपास में मिल रहा है या नहीं, वो हमारी पड़ताल का एक हिस्सा है।
और इसके चलते आप देख रहे हैं कि अवेलेबल डिवाइसेस में अभी कोई डिवाइस नहीं दिख रहा है। अभी भी शक की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए दिल्ली में हमने इंटेक्स इको 105 मॉडल का फोन लिया, उसका ब्लूटूथ ऑन किया और दूसरे फोन से उसके जुड़ने का क्रम देखा। इस मोबाइल को हम अपने ब्लूटूथ के जरिए अपने मोबाइल से, ये मोटो जी का जो मोबाइल है, इसके जरिए कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ आता है। हमने ऑन करते ही अब दूसरे मोबाइल अपने इस डिवाइस पे गए, इसका ब्लूटूथ ऑप्शन ऑन किया, ये मोबाइल हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो गया जहाँ पे लिखा हुआ है इंटेक्स इको 105। यानी इस पड़ताल से ये पता चला है कि इको 105 ईवीएम मशीन नहीं है बल्कि इंटेक्स कंपनी का एक मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर इको 105 है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले ब्लूटूथ की सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर तो कांग्रेस के इस आरोप का मजाक भी उड़ने लगा। जब इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि एक संभावित हार की तैयारी की ये एक्सप्लेनेशन होती है। आपको यहाँ ये भी साफ कर दें कि इस बार गुजरात चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल हो रहा है। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें एक पर्ची के जरिए मतदाता को ये पता चलता है कि वो किसे वोट दे रहा है। हालांकि चुनाव आयोग आरोपों को लेकर सतर्क है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां बिना तथ्यों की जांच किए नए आरोप लगाती रहती हैं। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, पोरबंदर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।